16 वर्षीय अभ्रत नाबालिग स्कूली बालिका पुणे महाराष्ट्र से दस्तयाब। पुणे कस्बे से 60 किलोमीटर दूरी पर तुलापुर गांव में कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। जमीन का दलाल बनकर पुलिस टीम अपहरणकर्ता के किराए के कमरे तक पहुंची। बी ब्लॉक पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा थाना सागवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान निवासी एक पिता ने 10 मई 2023 को पुलिस थाना सागवाड़ा पर उपस्थित होकर दिनांक 9 मई 2023 को अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण हो जाने संबंधित प्रकरण दर्ज करवाया था। नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण की घटना के 3 माह तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने एवं कोई पता नहीं लगने पर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सोडा के नेतृत्व में सोमेश्वर उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल भीमराज कांस्टेबल ज्योति महिला कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह कांस्टेबल साइबर सेल भव्यराज सिंह कांस्टेबल साइबर सेल की टीम का गठन कर उक्त स्कूली नाबालिग अपहर्ता को शीघ्र डिटेन करने के निर्देश पर टीम द्वारा मुखबिरों से संपर्क किया गया। पारंपरिक अनुसंधान के आधार पर साक्ष्य संकलन किए गए तो ज्ञात आया कि प्रकरण की अपहर्ता एक युवक के साथ पुणे महाराष्ट्र से मजदूरी कर रही थी, जिस पर टीम द्वारा पुणे शहर में जाकर 2 दिन तक काफी लोगों से संपर्क किया तो प्रकरण की अपहर्ता का पुणे शहर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर तुलापुर गांव में उप सरपंच राजा राम के घर 2 जने किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर टीम पुणे से रवाना होकर तुलापुर गांव में पहुंची। मगर वहां पर चूंकि राजाराम गांव का उप सरपंच है एवं उसका गांव में वर्चस्व होने से एवं उसके द्वारा जानकारी छुपाने की संभावना होने से टीम सादे कपड़ों में जमीन की दलाल बनकर राजाराम के घर पहुंची। मगर राजाराम घर पर नहीं मिला तो टीम ने उसके परिजनों को स्वयं का जमीन का दलाल बनाकर उप सरपंच से जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर की। उप सरपंच के परिजनों से जमीन के संबंध में बात करने लगे। इसी दौरान टीम द्वारा मकान के आसपास देखा तो मकान के आगे की तरफ बने एक कमरे में प्रकरण की अपहर्ता बैठी हुई नजर आई, जिस पर टीम द्वारा कमरे में देखा गया तो प्रकरण की नाबालिग अपहर्ता निवासी राजपुर जिला बांसवाड़ा राजस्थान निवासी के साथ किराए पर कमरा लेकर रह रही थी, जिस पर नाबालिग अपहर्ता एवं युवक दोनों को डिटेन कर थाने पर लाए हैं। फिलहाल अग्रिम अनुसंधान कार्रवाई जारी है। माँ करीब 3-3.5 महीने पहले एक प्रकरण दर्ज कराया था कि उसकी एक नाबालिग पुत्री गायब है, जिसमें अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। लंबे समय तक इसका कुछ भी पता नहीं लगा, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंदन जी कवरिया ने स्पेशल टीम गठित करके विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। चूँकि और किसी तरह से तकनीकी सहायता नहीं मिल पा रही थी तो परंपरागत तरीके से जो संदिग्ध थे उनके आसपास एक मुखबिरों का जाल बिछाया और उससे कई लोगों से पूछताछ किया, जिससे कुछ सुराग लगे। और मुखबिरों से सुराग जब मिलने शुरू हुए तो एसपी साहब के निर्देशन में, कुंदन जी गवरिया साहब के निर्देशन में एक टीम यहाँ से रवाना करी जो पुणे गई, और ये पता लगा कि जो भगवैया है वो पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर एक तुलापुर नाम के गांव में किराए से के मकान से रह रही थी, जिस पर उसको पुलिस टीम वहां पहुंची और इसके लिए विशेष प्रयास करने पड़े। चूँकि पुलिस और वर्दी और इस तरह की चीज़ों से इसके गायब होने की संभावना ज़्यादा थी, इसलिए पुलिस भूमि खरीदने के बहाने से वहाँ पर एक भूमि क्रेता के रूप में आसपास घूम घाम के इसका पता लगाया, जो वहाँ किसी उप सरपंच के मकान में ये किराए के कमरे में रहना पाया गया, जिस पर उक्त भगवैया को और जो संदिग्ध था उसको डिटेन करके थाने लाए हैं और अब इसको अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, CWC के समक्ष पेश किया जाएगा और जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं अगर उनके परिजन अगर कंसेंट देते हैं या जो भी लीगल प्रक्रिया पूरी करेंगे सारी। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।